सभी को नमस्कार, मैं पवन उप्पल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सेहत और लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हड्डियों की टीबी के बारे में जानकारी दूंगा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। इस वीडियो में मैं आपको हड्डियों की टीबी क्यों होती है इसके बारे में बताऊंगा, इसके लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि मॉडर्न मेडिसिन में इसका क्या इलाज होता है। और वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि ट्यूबरक्लोसिस में यानी टीबी में आपको किस प्रकार की डाइट खानी चाहिए ताकि आप जो इलाज करवा रहे हैं उसका आपको ज्यादा फायदा हो और आप जल्दी ठीक हो जाएं। टीबी एक बहुत ही ज्यादा संक्रामक रोग है। यह रोग एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पूरी दुनिया में जिन बीमारियों की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, टीबी उन खतरनाक बीमारियों में से एक है। यह टॉप 10 खतरनाक बीमारियों में से एक है। वैसे तो टीबी पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन विकसित देशों के मुकाबले जो विकासशील देश हैं उन देशों में टीबी के ज्यादा मामले सामने आते हैं, जैसे कि हमारा देश भारत। टीबी की रोकथाम की जा सकती है और अगर बीमारी का पता जल्दी चल जाए तो इसका इलाज भी किया जा सकता है। वैसे तो टीबी फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ मामलों में यह शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है। जब टीबी फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलती है तो इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीटीबी कहा जाता है। हड्डियों की टीबी और जोड़ों की टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का ही एक प्रकार है। फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने वाली टीबी के 10% मामले हड्डियों और जोड़ों की टीबी के होते हैं। आमतौर पर हड्डियों की टीबी में शरीर की लंबी हड्डियां, रीढ़ की हड्डी और जोड़ प्रभावित होते हैं, लेकिन यह रोग आपके शरीर की किसी भी हड्डी को प्रभावित कर सकता है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि हड्डियों की टीबी होती कैसे है, किन कारणों की वजह से हड्डियों की टीबी हो जाती है। हड्डियों की टीबी तब होती है जब पहले आपको फेफड़ों की टीबी होती है और उसके बाद यह टीबी फेफड़ों से बाहर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलती है और फिर हड्डियों तक फैल जाती है। टीबी की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा के माध्यम से फैलती है। जब आपको टीबी की बीमारी हो जाती है तो उसके बाद यह बीमारी आपके फेफड़ों से आपके खून के माध्यम से आपकी लिम्फ नोड्स तक फैलती है और फिर उसके बाद आपकी हड्डियों, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों तक फैल जाती है। वैसे तो हड्डियों की टीबी एक दुर्लभ रोग है, यानी कम होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से डेवलपिंग कंट्रीज में एड्स के मामले बढ़ने की वजह से टीबी के मामलों में वृद्धि हुई है। भारत भी इन्हीं देशों में से एक है, क्योंकि भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है। एड्स की वजह से टीबी होने का खतरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि एड्स की वजह से व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और टीबी का बैक्टीरिया आसानी से व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता है। हड्डियों की टीबी का डायग्नोस करना मुश्किल होता है, यानी पता लगाना मुश्किल होता है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए और इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इससे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हड्डियों की टीबी के लक्षण क्या होते हैं ताकि आप इसकी पहचान कर पाए। हड्डियों की टीबी को पहचानना मुश्किल होता है। इसके लक्षण तभी पहचान में आते हैं जब रोग काफी गंभीर हो जाता है। हड्डियों की टीबी, खासकर रीढ़ की हड्डी की टीबी को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि शुरुआती चरणों में यह बिल्कुल पेनलेस होती है, यानी इसमें कोई दर्द नहीं होता है और मरीज में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी तो रोगी को यह भी पता नहीं होता कि उसे फेफड़ों की टीबी है और बिना रोगी को पता चले ही टीबी हड्डियों तक फैल जाती है। जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो हड्डियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, हड्डियों के ऊपर सूजन आ जाती है, जोड़ों के ऊपर सूजन आ जाती है, जोड़ों में जकड़न होती है और अंदर मवाद या पस जमा हो सकती है। अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। पैरालिसिस यानी लकवा भी हो सकता है। बच्चों में अंग छोटे या बड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक टांग छोटी हो जाए और एक बड़ी हो जाए, जिस हिस्से में बोन ट्यूबरक्लोसिस होगा उस हिस्से की ग्रोथ कम होगी या नहीं होगी, और जिस हिस्से में बीमारी नहीं होगी वह हिस्सा नॉर्मल ग्रो करेगा। इस वजह से बच्चों के अंग छोटे या बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों की कुछ और दूसरी विकृतियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा रोगी में टीबी के सामान्य लक्षण भी नजर आ सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, बुखार होना, रात को पसीना आना और वजन कम होना। अब मैं आपको यह बताता हूं कि मॉडर्न मेडिसिन में बोन ट्यूबरक्लोसिस का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। हड्डियों की टीबी का अगर जल्दी इलाज किया जाए तो आमतौर पर दवाओं के साथ इसका पक्का इलाज किया जा सकता है, लेकिन कई मामलों में सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है। बोन ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करने के लिए सबसे पहले दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है,
दवाओं के साथ इसका इलाज 6 महीनों से लेकर 18 महीनों तक चल सकता है। इसका इलाज करने के लिए एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाएं दी जाती हैं। कई बार सर्जरी और दवाएं दोनों की आवश्यकता भी हो सकती है। टीबी को मात देने के लिए आपको हर रोज अपनी दवा तो खानी ही है, लेकिन दवा के साथ साथ सही डाइट भी खानी है ताकि आपके शरीर को पूरा पोषण मिल सके और आपके इलाज में तेजी आए। बीमारी के समय में आपको पोषक तत्वों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जो लोग कुपोषित होते हैं या जिनका वजन कम होता है, उन लोगों को किसी भी बीमारी से उबरने में ज्यादा समय लगता है। कुपोषण से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, लेकिन आपको टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली की जरूरत होती है। इसलिए आपको विटामिन, खनिज और दूसरे पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने की आवश्यकता होती है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन ज्यादा होता है और बी विटामिन ज्यादा होता है। आपको साबुत अनाज खाने चाहिए, जैसे दलिया, और आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अलग अलग रंगों की सब्जियां और फ्रूट खाने चाहिए, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर। आपको इंद्रधनुष के रंगों की तरह अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां खानी चाहिए। खाना बनाने के लिए आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए या जैतून के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करके आप कोई अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी खा सकते हैं। इससे आपको अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। आपको तंबाकू और शराब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और चाय और कॉफी को सीमित मात्रा में पीना चाहिए। आपको बाजार का कोई भी रेडीमेड खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट, और सिर्फ घर का बना खाना ही खाना चाहिए। आप चिकन, अंडे, सोयाबीन का पनीर और मछली खा सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी और प्रकार का मीट ना खाएं। अलग अलग वैरायटी वाली चीजें खाना और बाजारू चीजों से दूर रहना आपको जल्दी से जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।